लखनऊ में कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक संपन्न हुई। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन पदयात्रा निकालेगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में कांग्रेस सहारनपुर से सीतापुर तक पदयात्रा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी शहरों में नगर नगर डगर डगर पदयात्रा निकालेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अहंकार नहीं है, हम गांधी और नेहरू के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। देखिए 2024 के लिए लोकसभा के लिए गठबंधन बना था, मैं समझता हूँ कि उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व और निर्णय ले रहा है और वो ही उस पर डिसाइड करेगा। अखिलेश यादव की क्या जो बैठक हो रही है इंडिया उसमें नहीं जा रहे हैं। अब ये तो उनकी अपनी सोच होगी, मैं समझता हूँ कि सबको बुलाया गया है, सबको निमंत्रित किया राष्ट्रीय नेतृत्व। अजय जी, अगर गठबंधन पर सहमति बनती है तो जो आपकी पारंपरिक सीट है बनारस इलाहाबाद है अमेठी है रायबरेली, क्या उन सीटों पर आप अपना दावा करेंगे या फिर गठबंधन में दूसरों? देखिए ये तो मैं तैयारी कर रहे हैं, हम तो पूरी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम तो नगर नगर डगर डगर चल रहे हैं, गांव गांव पांव पांव चलेंगे, पदयात्रा करेंगे और रिश्वत तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, हमारा काम है संगठन मजबूत करना आगे बढ़ना। यानी आप अकेले लड़ने की स्थिति में भी तैयारी कर रहे हैं? हमारा काम अपना काम मैं कर रहा हूँ, प्रदेश का नेतृत्व है, संगठन को मजबूत करना प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, उसमें अपना काम कर रहे हैं। 2009 की जीती हुई सीटों को लेकर के कोई खास नहीं, वो जो